हिंदुस्तान बेसिकली वो खा भी जाएगा प्रेशर में वो। अब जी प्रेशर में वो क्रम्बल तो करते हैं, हमारे खाते क्रम्बल करके थे, हम तो बॉटम की टीम थे। तो बेसिकली ये सारा घंटे के अंदर ही प्रेशर बना बनो के देख लिया जाएगा, क्विंटन डिकॉक से लेके क्लासन तक देखा जाएगा। और टोटल डोमिनेट किया है जडेजा ने। बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, मोहम्मद शमी को देखें, फिर उनके साथ सिराज ने भी विकेट लिया। लेकिन रविंद्र जडेजा को जो इंडिया पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, वो इसी बॉलिंग की वजह से करता है भाई। खूबसूरत बोल्ड मारा और जबरदस्त भाई, जडेजा ऑन फायर भाई, क्या बॉलिंग है आज की। बॉलिंग हिंदुस्तान की देखकर और हिंदुस्तान की फील्डिंग देखकर भाई पड़ोसियों का पेशाब निकल गया है। सालगिरह पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। जडेजा ने तो मतलब जद्दू ने तो आग ही लगा दिया यार, मतलब वर्ल्ड कप का माहौल बना दिया यार। इतनी खुशी मुझे, इतनी खुशी यार, आज वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस हुई है। जडेजा ने बांध के रखा है, मतलब पहला ओवर क्या, दूसरा ओवर क्या, तीसरा क्या। तो अपने मैदानों पर अगर वो खेलते हुए जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ देखें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि शायद पिचेस जो हैं वो ऐसी नहीं है जहां पर, मतलब कहीं गेंद की बात होती है, कहीं पिचेस की बात होती है। इंडिया वो टीम है जो अपने हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है। जडेजा ने आग लगा दी भाई, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भाई, क्या जबरदस्त बॉलर है हिंदुस्तान के पास। ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा बॉल से इस एरे का मैं समय तो विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर प्रेशर में। अब प्रेशर में वो क्रम्बल तो करते हैं, हमारे खाते क्रम्बल करके थे, हम तो बॉटम की टीम थे। तो बेसिकली ये सारा घंटे के अंदर ही प्रेशर बना बनो के देख लिया जाएगा, क्विंटन डिकॉक से लेके क्लासन तक देखा जाएगा। ये मजा आया, लेकिन यार मुझे आई डोंट थिंक सो, जिस किस्म की बॉलिंग आप की जा रही है, जिस किस्म के आपके बॉलर खुले हुए हैं, तगड़े आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल यार कि बनता है कोई मुकाबला। क्या कहते हैं वो शाहरुख खान, 70 मिनट है वो कर लो, 70 मिनट में जो करना है कर लो, बाकी मेरे ख्याल में 70 मिनट के बाद तो बचना कुछ नहीं। बॉलिंग हुई है इंडिया की तरफ से, आप जसप्रीत बुमराह को देखें, मोहम्मद शमी को देखें, फिर उनके साथ सिराज ने भी विकेट लिया आप में। तो मजमूई तौर पर जो उनकी बॉलिंग है वो फॉर्म में है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कंडीशंस उनकी अपनी हैं, पिचेस पर वो पता नहीं कितनी मैचेस खेल चुके हैं, मतलब सैकड़ों मैचेस खेल चुके होंगे, उसका तजर्बा है आईपीएल की सूरत में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट की सूरत में भी। तो उनको बहुत अच्छे खास अच्छे तरीके से अपनी पिचेस का तजर्बा है, कंडीशंस का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सीम पोजीशन की बड़ी अच्छी होती है, ज़्यादा रूम नहीं देते हैं इंडियन बॉलर्स, नहीं दिया अब तक उन्होंने इस वर्ल्ड कप में जब भी वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। तो एक अच्छी चीज़ जरूर है उनके नुक्ता निगाह से कि बॉलिंग अच्छी फॉर्म में है, लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग भी फॉर्म में है। बैटिंग के लिए जो एक मुश्किल जरूर है साउथ अफ्रीका की, कि वो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए जो उनकी सलाहियतें हैं वो हमेशा से उन पर सवालिया निशान रहा है, बिलखसूस इस टूर्नामेंट में। तो अपने मैदानों पर अगर वो खेलते हुए जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ देखें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि शायद पिचेस जो हैं वो ऐसी नहीं है जहां पर, मतलब कहीं गेंद की बात होती है, कहीं पिचेस की बात होती है। इंडिया वो टीम है जो अपने हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है, हर मैच उसने मुख्तलिफ ग्राउंड पर खेला है। पाकिस्तान को देखें तो उन्होंने एक ही वेन्यू पर, एक स्टेडियम में एक से ज़्यादा मैचेस पाकिस्तान को खेलने का मौका मिला है। तो इंडिया ने हर मैच मुख्तलिफ स्टेडियम पर खेला है, उनको हर मैच मुख्तलिफ हालात में खेलने, वो कि उनके अपने हैं लेकिन वो ट्रैवल किया उन्होंने अपने मुल्क में इस वर्ल्ड कप को देखते हुए। तो जो अडेप्टेबिलिटी है उनकी कि हर किस्म के हालात में अपने आप को ढालते हैं बहुत जल्द और फिर बेहतर परफॉर्म करते हैं, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप के जरिए क्रिकेट पहले ही बहुत मकबूल है, और उसकी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए ये जो अपने अपनी टीम को पूरे मुल्क में जहाँ पर वेन्यूज थे वहाँ पर लेके गए हैं, तो ये बुनियादी तौर पर उनकी क्रिकेट को भी इसका बड़ा फायदा है। और जो हम इंपैक्ट की बात करते हैं ना कि थोड़ी परफॉर्मेंस है लेकिन उसका असर होना चाहिए, वो शुरू होता है रोहित से। 40 रन किए उसने, मुश्किल पिच थी, मैं बता रहा हूँ आपको, इजी नहीं था, लेकिन उसके वो 40 रन, नीचे के प्लेयर जो आते रहे वो अपने गेम को मतलब खेले भी, लंबा इनिंग भी लंबी किए। सालगिरह पे भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और सालगिरह के ऊपर फैंस को इस तरह का गिफ्ट देना 100 की शक्ल में अच्छे मैच के अंदर, मुश्किल कंडीशन के अंदर, नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट। किंग कोहली कहा जाता है और वो प्रूव करता है हर गेम में, प्रूव करता है, और वो हर लिहाज से किंग है, फिटनेस के लिहाज से, गेम में फोकस, डिसिप्लिन, उसकी एबिलिटी, उसमें जो टैलेंट है वो सारी चीजें शो करती हैं कि जिस तरह उसने रिकॉर्ड लेवल किया मेरा ख्याल। ग्रेट सचिन तेंदुलकर का, और मेरा ख्याल सचिन तेंदुलकर बेस्ट एवर प्लेयर है। रिकॉर्ड बराबर करना या आगे निकल जाने का ये मकसद नहीं है कि कोई उससे अच्छा हो सकता है। अच्छा बॉल से इस एरे का मैं समय तो विराट कोहली से अच्छा प्लेयर नहीं आया कोई, लेकिन ऑल टाइम सचिन इज द सचिन बेस्ट प्लेयर मैंने जो देखा अभी तक। लेकिन इस एरा में जिस तरीके से कोहली खेला है, मेरा नहीं ख्याल और कोई ऐसे खेला है भाई यार। अबाड़ा बबाड़ा कबाड़ा कबाड़ा भाई, इनको बॉल बॉल मार के भाई, बुमराह भाई, मोहम्मद शमी भाई, इनको बॉल मारो यार कम से कम एक दो बैट्समैन और एक दो बॉलर्स कम कर दो यार इनकी पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं ये कैसे हो सकता है, ये लोग जो है बॉल में कुछ चिप लगवा रहे हैं,
कोई ट्रैकिंग सिस्टम है बॉल में, कुछ है इस बॉल के अंदर के जब ये बॉल कराते हैं भाई पता नहीं कैसे स्पिन होके आ जाती है विकेट पे लगती है, जब दूसरी टीम बॉल कराती है पता नहीं क्या इतने बेवकूफ लोग हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखे यार। चलो एक दो तीन दिन पांच दिन हफ्ता दो हफ्ता तो इनका चल गया मैच फिक्स से देख रहे कि भाई तो सभी हार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है पूरी दुनिया फिक्स करके आई है क्या तो यहाँ 300 रन बनाने मुश्किल थे कि स्विंग हो रही है सीम हो रही है हाँ अपनी लाया था ये अपनी लाया था। अबे ये जो कह रहे हैं ना कि स्लो थी ये थी वो थी बहुत ठंडा करके खेला, अबे पता भी है तुम्हें हुआ क्या है आज हाँ। क्या कर रहा था कौन किसका बॉल ग्रिप कर रहा था केशु के अलावा क्या शमसी को कोई खेल सकता था हाँ। अबे अगर वाकई इतनी सस्ती विकेट होती तो क्या रोहित शर्मा छोड़ देते शिवमन गिल छोड़ देते आज केएल राहुल क्या छोड़ देते आज उनको भी तो मौका मिला था हाँ। बात सीधी सी ये है कि भैया जब ट्रिकी सिचुएशन होगी और मुश्किल होगी और गर्मी होगी तो वहां पर 205 मिनट एक ही आदमी खड़ा रह सकता है जिसका नाम है विराट कोहली। कितने मिनट 205 मिनट ये तो ओवर खत्म हो गए तो जाना पड़ा। वेरी भाई हुआ क्या हुआ ये विराट ने बताया कि मेरी और देखिए श्रेयस अय्यर और विराट का कॉम्बिनेशन जो आपको नजर आया वो एशिया कप से चला आ रहा है जहां पे वो विराट ने खुद बताया यार मेरी और श्रेयस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एशिया कप से पहले से है जब से श्रेयस वापस आया हम दोनों स्पिन को अच्छा खेलते हैं यानी कि वो ये बता रहे हैं कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं बाकी अच्छा तो लोगों को पता ही है। हालांकि जब केशव महाराज आए तो कमेंटेटर बता रहे थे कि 5-6 ही बॉलों पे रन है विराट के 60 बॉलों में उसमें टेस्ट मैचेस थे केशव महाराज के अगेंस्ट बड़ा खतरनाक और अजीब सा रिकॉर्ड था लेकिन उसको ठीक किया श्रेयस अय्यर ने बहुत टाइम लिया। जिस विकेट पे श्रेयस अय्यर अगर स्पिनर्स पर टाइम ले रहे हैं तो बाकी समझ जाए कि वो विकेट बड़ी ट्रिकी है उस पर गेंद रुक कर भी आ रहा है रुक कर क्या आ रहा था ग्रिप हो रहा है स्लो विकेट है पर वो जो रोहित शर्मा का आगाज है देखे निकले वो बड़े खूब थे रबाडा का पूरा ओवर एक लेग बाई की नजर हुआ हुआ था लास्ट बॉल पर वो आगे निकले लेकिन गेंद इतना फुल था वो सीधा बबूमा के मुंह का निशाना लिया रोहित शर्मा ने अगर सर के ऊपर से मार देते तो हो जाता आम एक्सटेंशन उतनी नहीं मिली वरना रोहित शर्मा का आपको कोई 50-50 बॉलों पे सुनील गावस्कर ने कह दिया था 50वां उस दिन के बाद से ही तो विराट ने बोला कि तुम्हारी मुंह से निकली भी कोई बात मैं सच होने नहीं दूंगा मेरी क्रिकेट मेरी मर्जी जहां पर मारूं सौ अबे सेमीफाइनल में खड़ा हुआ है सौ सेमीफाइनल में 50वां शतक दे रहा है वो लो यहां पे दे दी भविष्यवाणी आप यहां पे 50 12 विराट कोहली ने इस तरह सरवाइव किया है ना फिर भाई असल कमाल आज का ये मुश्किल विकेट है पता ही नहीं है लोगों को अगर बाबर आजम ऐसी 100 करता तो अबे इतनी फिटनेस होती तो उसने कल बेंगलुरु में रना बॉल खेल